हेलो फ्रेंड्स, कार एंड टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे रियर कैमरा और रियर स्पीकर्स की वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस वायरिंग की हमें ज़रूरत क्या है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे वायरिंग की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो वायरिंग है स्पीकर्स की, उसके आपको क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के मीडिया नैप में कोई भी रियर स्पीकर्स एक्टिवेट करते हो और उन्हें लगाने की कोशिश करते हो, तो आपको कोई ना कोई वायरिंग ओरिजिनल गाड़ी की जो कट करनी पड़ती है। अगर वो वायरिंग आप कट करते हो और गाड़ी में आपकी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी उसकी जो वारंटी है वो नहीं लेती, कंपनी उसका कोई भी क्लेम नहीं देती। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आपको वहां पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वायर कट करने से आपकी जो गाड़ी की वायरिंग की वारंटी है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें बेनिफिट ये है कि इस वायरिंग को लगाने से आपको कोई भी ओरिजिनल वायरिंग है जो कट नहीं करनी पड़ेगी। जो ये मेल फीमेल कनेक्टर है, इसको आपको मीडिया नैप के पीछे लगाना है और वहां से कनेक्शन लेकर डायरेक्ट जो स्पीकर्स है वो मीडिया नैप से कनेक्ट कर लेने हैं। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है कैमरा की। कैमरा लेने के लिए दोस्तों आपको एक अलग से डिस्प्ले लेनी पड़ती है और एक कैमरा लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 3000 रुपीज के आसपास है। बट इस कनेक्टर को लगाने से दोस्तों आपको डायरेक्ट मीडिया नैप के पीछे कनेक्टर लगाकर उस पर कैमरा लगाना है 1000 रुपीज के आसपास, जो है अच्छा नाइट विजन कैमरा आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको डायरेक्ट इस कनेक्टर के पीछे मीडिया नैप के पीछे कनेक्टर को लगाना है और कनेक्टर के साथ कैमरे को कनेक्ट करके अपनी गाड़ी में लगा लेना है। तो दोस्तों, इसे लगाने से आपकी जो रियर कैमरा लगाने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है और अलग से एक डिस्प्ले भी नहीं लेनी पड़ती। दोस्तों, अगर आप इस वायरिंग को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। साइट का नाम है quidcarsolution.com। आप वहां पर जाकर इसे जो कनेक्टर को परचेज कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के मीडिया नैप में रियर कैमरा और रियर स्पीकर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब करते हैं वायरिंग की अनबॉक्सिंग। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वायरिंग है जो मेरे पास आई है, मैंने इसे ऑर्डर किया था चेक करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए रियर कैमरा वायर और रियर स्पीकर वायर्स की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, ये बॉक्स है जो अमेजोन का है, जो कवर है इसका वो फ्लिपकार्ट है, बट ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको एक और साइट पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है quidcarsolution.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, प्रोडक्ट दिखाऊँगा आपको कौन से हैं रियर वायर और रियर कैमरा और रियर स्पीकर एक्टिवेट करने के लिए। इसकी क्वालिटी पर मैं बाद में वीडियो एक बनाऊंगा कि कैसे इसकी क्वालिटी है और इसे आप कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेल फीमेल जो है कनेक्टर है, इससे आपको कोई वायर कट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा और आपकी जो गाड़ी के मीडिया नैप की वारंटी है वैसे की वैसे रहेगी, कोई वारंटी पर इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। नहीं तो हम फ्रंट वाले स्पीकर से कनेक्शन देकर भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वायर कटिंग की वजह से मीडिया नैप की जो वारंटी है वो इफेक्टेड होती है। ये रियर कैमरा का जो कनेक्टर है, यहाँ पर जो येलो पिन है इस पर रियर कैमरा लगेगा और जो साथ वाली ब्लैक वायर है वो रियर स्पीकर्स की वायर है। तो दोस्तों, इसकी अगली वीडियो मैं कैमरा जो एक्टिवेट करूँगा उस पर बनाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।